हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे लॉग वैल्यू कमांड कैसे देख सकते हैं, लॉग कमांड कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है लॉग 1 से लॉग 10 का मान, ये एग्जैक्ट मान दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा का पूरा एग्जैक्ट है। जहाँ पे भी हम लोग चाहें लॉग अगर आता है क्वेश्चन, तो ये वाला मान पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं एग्जैक्ट मान। लेकिन हम लोग पेपर में क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम लोग के पास टाइम नहीं रहता, तो इतना मान को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि पूरा का मान कैलकुलेट ना करके क्या करेंगे, जीरो के बाद हम लोग दो संख्या को ले लेंगे, तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो log 1 से log 10 का अगर मान पता है, तो और भी बाकी बड़ा बड़ा log का मान पूछता है, तो हम लोग आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले log 1 और log 10 का मान याद करेंगे। तो log 1 का मान क्या होता है, जीरो होता है, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। और आपको और क्या याद रखना है, log 2 का मान याद रखना है और log 3 का मान रखना है। तो अब देखते हैं कि अगर हम लोग आसानी से कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे। जैसे कि ये है, यहाँ पे क्या किए हैं, जीरो के बाद हम लोग का दशमलव के बाद दो संख्या को लिए हैं, दो संख्या हुआ है हम लोग का ये। जैसे कि log 2 का मान हम लोग को पता होना चाहिए कितना होता है, 0.30। और वैसे ही log 3 का मान भी हम लोग को पता होना चाहिए कितना होगा है, 0.4771 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.48 लिख सकते हैं। तो इसलिए 0.48 लिखा गया है। अब ये log 4 से log 9 के बीच कैसे ही हम लोग इसको देख सकते हैं, उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका मान कैसे देख सकते हैं। तो जनरली हम लोग 1 से 10 तक जाते हैं, तो यहाँ पे उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग पहले आएंगे log 10 से। तो हम लोग को पता है log 10 का मान 1 होता है। अब यहाँ से जाना है, पहले लिख लेते हैं log 9, फिर क्या करना है, log 8 का मान, log 7, log 6, log 5, log 4, क्योंकि हम लोग का और इधर का मान सबको पता होता है 2 और 3 का। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान देखने के लिए log 10 से हम लोग log 9 में जाने के लिए क्या करेंगे, -0.5 कर देंगे, -0.05, 0.5 नहीं, क्या करेंगे, 1 में -0.05 को घटा देंगे, तो क्या होगा हम लोग का, 0.95 ये होगा। अब क्या करना है हम लोग को, log 9 से log 8 में जाने के लिए, मतलब कि log 8 का मान ज्ञात करने के लिए इसमें क्या घटा देंगे हम लोग, फिर से 0.05 घटा दीजिएगा। तो फिर से 0.05 घटाएंगे तो कितना आएगा वैल्यू हम लोग का, 0.90 ये आएगा। फिर अब क्या करेंगे, अब हम लोग को log 8 से log 7 में जाने के लिए क्या करना है, हम लोग को 0.06 घटाना है। दो बार क्या करोगे, 0.05 घटाओगे, फिर एक बढ़ाना है 0.06। तो 0.06 करेंगे तो कितना आएगा फिर से, अब वैल्यू का मान, अब log 7 का मान कितना आ जाएगा हम लोग का, 0.84 आएगा, ये हो गया। अब हम लोग को देखना है कि जैसे कि log 7 तो मान पता चल गया, अब log 6 का मान पता करना है, तो इसमें क्या घटा देंगे, 0.07 घटा देंगे, तो हम लोग का log 6 का मान आ जाएगा। तो log 6 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, 0.77 हो जाएगा। अब वैसे ही log 6 से log 5 में जाना है तो 0.08, वैसे ही log 5 से log 4 में जाओगे तो 0.09 घटा देना, फिर पूरा का पूरा आ जाएगा। तो log 5 का मान कितना हो जाएगा, 0.77 में -0.08 घटा देंगे तो हम लोग का 0.69 हो जाएगा log 5 का, और log 4 का कितना हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा। इतना आसानी से आप लोग मान रख सकते हो। तो एग्जैक्ट मान आप देखते हैं, जैसे कि घटाएंगे, पहले याद रखना क्या क्या घटाएंगे उसको लिख लेते हैं। पहले क्या घटाएंगे हम लोग, log 10 का मान 1, तो log 1 से घटाना हम लोग को 0.05, फिर जो भी मान आएगा उसमें फिर घटाना, क्या घटाना, 0.05,
फिर एक मान आएगा उसमें घटाइएगा 0.06, फिर से मान आया उसमें फिर क्या घटाएंगे 0.07, फिर मान आएगा उसमें फिर क्या घटाना 0.08, फिर लास्ट में घटाना है 0.09, तो ये सबका मान आ जाएगा। तो ये जो मान आएगा वो सब क्या क्या का रहेगा उसको देखेंगे। ये जो मान आएगा वो log 9 का रहेगा, ये log 8 का, ये आपका log 7, ये log 6 और ये log 5 और लास्ट में मान log 4, और हम लोग को log 2 और log 3 का तो मान पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं या मेमोराइज में दिमाग में रख सकते हैं कि कैसे कैसे उसको घटाएंगे तो log का मान आता जाएगा। तो और देखते हैं ऐसा वाला क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अगर आप लोग को पूछा हुआ है log 4, तो इसका जैसे कि हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये होगा log 2 into 2 होगा, तो हम लोग को पता है log में जो भी मान रहता है m into n, तो क्या हो जाता है log m plus log n हो जाता है। हम लोग रूल पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, तो m और n क्या है, 2 और 2 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग अगर मान रखेंगे तो log 2 plus log 2, तो log 2 का मान हम लोग को पता है कितना है 0.30 है, और इसमें भी रख दें 0.30, तो कितना आया हम लोग का 0.60 आएगा। तो पहले हम लोग अभी जो निकाले थे उसको देखते हैं 0.60 है कि नहीं, ये किसका मान है, और लिख लें log 4 का मान है। तो अब देखते हैं पहले जो इक्वेशन में किए थे, इक्वेशन नहीं, यहाँ पे क्या है log 4 का मान जो निकाले थे वो था कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे log 4 का मान 0.60 है, ये देखिए ये वाला log 4 का मान 0.60 आया। तो वैसे ही अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि अगर हम लोग का log 20 आया, तो कैसे रखेंगे log 10 into 2 रखेंगे, यही रख सकते हैं ना, तो या तो कुछ भी रख सकते हो 4 into 5, तो log 10 into 2 कर रखेंगे तो आसानी से होगा, तो log 10 plus क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। तो हम लोग को पता है log 10 का मान कितना होता है 1, और log 2 का मान कितना होता है 0.30, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.31 हो जाएगा, तो ये किसका मान हो जाएगा log 20 का मान हो जाएगा। वैसे ही बहुत बड़ा बड़ा भी अगर देता है log का मान, जैसे कि log 100 दिया, तो कैसे करोगे आप लोग log 10 into 10 करोगे, तो हम लोग को पता है log 10 plus log 10, तो log 10 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 plus 1 इज जस्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो log 100 का मान कितना होता है 2 होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये सभी का मान। और क्या है हम लोग का, जैसे कि ये देखिए ये एग्जैक्ट मान हम लोग जैसे कि एक्सपेरिमेंटल टाइप के जो वैल्यू निकाले हैं वो था वो ये वाले, तो ये हम लोग का लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसका मान बताइएगा मुझे, log 50 का मान कितना होगा, ठीक है ना, अगर ये समझ आ जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो log 50 का मान कैलकुलेशन करके देखिएगा कितना आता है। थैंक यू।